बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे। अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उन लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए? जो कभी नहीं जाती उसी को जाती कहते हैं, स्वदेश मूवी का ये डायलॉग है जो मैंने कभी सुना था। लेकिन अगर बात भारतीय राजनीति की हो तो जाति कभी नहीं जाती है। फिर से एक बार जाति का मसला गरमा गया है। पक्ष विपक्ष बिहार में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आप सबसे पहले विजय कुमार सिन्हा जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सुनिए क्या बोल रहे हैं। भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा। और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन, 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज BPSC BSSC के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है आज़ादी का, जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए, और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके और शुरुआत करिए। लेकिन आपका मिशन नियत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा, इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला दिया है कि आज से जातीय जनगणना बिहार में शुरू होगी और ये 2 चरणों में होगी। आपको कुछ पॉइंट्स मैं पहले बता देता हूं। ये चरण होंगे, 2 चरण होंगे, उसमें 500 करोड़ के आसपास की लागत आ रही है और पटना से ये शुरू होगा, जितने भी VIPs हैं उस एरिया से ये शुरू किया जाएगा। तो खैर सुनिए, विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आप ये बिल्कुल और सिर्फ 32 सालों में आप लोगों ने क्यों नहीं किया जब आप दोनों भाइयों की सरकारें थी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, उन्होंने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और अकाउंट में पैसे आने की बात कही, जब बिहार विकास की तरफ चला गया है तो आप फिर से ये जाति उन्माद क्यों भड़काना चाहते हैं? उसी का जवाब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दिया, वो भी आप सुनिए। इससे बेवकूफी वाली बात है, उन लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन से दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है, इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए।
तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं, दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि साइंटिफिक डेटा में प्रॉब्लम क्या है, यानी कि साइंटिफिक डेटा और जातीय उन्माद आमने सामने खड़े हैं, जैसे पक्ष और विपक्ष खड़े हैं। बिहार में बिल्कुल तकरार चल रही है, हम देख रहे हैं कि जातीय जनगणना के नाम पर जबरदस्त विरोध चल रहा है, लोग एक दूसरे को, एक दूसरी पार्टी को वो उसको जाति। तेजस्वी ने कहा कि ये गरीब विरोधी पार्टी है, ये पिछड़ों की, ये जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर उनका साइंटिफिक डेटा स्टेट के सरकार के पास है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तभी ना जान पाएंगे कितने लोग नाले साफ कर रहे हैं, आपने सुना ही होगा कितने लोग जो है वो मैला उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि जाति जो है वो दंश है, उसको जानना जरूरी है अगर हम उसकी बीमारी का इलाज करें। दूसरी तरफ हमने सुना कि विपक्ष कह रहा है कि जातीय उन्माद फैलाने का सरकार का तरीका है। नीतीश की सद्भावना को, नीतीश के समाधान को उन्होंने व्यवधान बताया और इस यात्रा के बारे में कहा कि आप इससे क्या चाहते हैं, अगर आपको कुछ करना है इसके मामले में तो आप सबसे पहले परफॉर्मर तैयार किए। लेकिन लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ क्या कहा कि नियत में ही आपके खोट है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इसको कि पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने है, जबकि सरकार ने मूड बना लिया है। और आपको बता दूं कि कोई नीतीश कुमार की आज की कोशिश नहीं है, 2019 में ही विधानसभा और 2022 में विधान परिषद दोनों ही जगह ये पास हो चुका है ये बिल, तो इसलिए इस पर तो लड़ाई है नहीं कि ये बिल होगा नहीं। हाँ, अब कुछ चीजें आती हैं कि जिसके बिना पर हम जान सकते हैं कि जातीय जनगणना क्या है। सबसे पहले जातीय जनगणना का जो जिम्मेदारी दी गई है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दी गई, यानी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई, वही इसको देखेगा। दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लागत आ रही है लगभग 500 करोड़ के आसपास। और एक बार आपको बता दूं कि बिहार सरकार इसके पूरी फेवर में है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं है। और केंद्र सरकार का जो मत है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं जातिता को बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ वो ये बोल रहे हैं कि जो नित्यानंद राय ने जो उसी वक्त कहा था, जो उस गृह राज्य मंत्री भी है, उन्होंने खुद कहा था और अभी भी है वो, उन्होंने कहा कि अगर 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, और उसमें भी जो जातीय जनगणना हुई वो ओबीसी 52% निकले थे, उसके बाद से नहीं की गई, चूंकि संविधान ने सिर्फ एससी और एसटीज को जाति आधारित गणना में शामिल करने के लिए प्रावधान है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि गणना, जनगणना जो है वो केंद्र का अधिकार है, इसलिए राज्य के इसको हम नहीं मानेंगे। तो खैर ये मसला बात की चीज है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि पक्ष और विपक्ष जाति के मामले में फिर से आमने सामने है। फिर से बिहार जाति के मामले में हमें जाति के मामले में दो भागों में बटा दिख रहा है, या जाति की गणना के मामले में, ये तो विषय है। आज से काम शुरू होने वाला है, दो चरणों में होगा, पहला जो आज से जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, दूसरा इसको मई तक कंप्लीट कर लेना है, दूसरा वो अप्रैल तक होगा। और उसका डेट जो है वो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसको जो शुरू किया जाएगा वो इस मामले में शुरू किया जाएगा कि जातीय जनगणना से 27 फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, 18 फरवरी 2019 में इसको लाया गया 27 फरवरी, और इसका जो पहला चरण है वो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो ये है जातीय जनगणना, देखते रहिए आप, सुनते रहिए क्या होता है, क्या रिपोर्ट आती है, क्या फैसला होता है, क्या ब्लू प्रिंट बनता है, जो भी होता है। लेकिन फिलहाल तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लड़ रहे हैं एक दूसरे से जाति के नाम पर या जाति के नाम पर गणना के आधार पर। बन रहिए खबरों से बाखबर होने के लिए कशिश न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और अगर आप इसको Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।